Hello, how's everyone doing? I hope you're doing absolutely fine. I hope you're safe. I hope you're staying indoors. आज का डेट है 24 अप्रैल शाम के 5:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट. मैं अपना गिटार प्रैक्टिस कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे. मेरे प्रैक्टिस कर करके उंगलियों यहाँ पे ना छिल गया पूरा. बट आई एम फाइनली प्रैक्टिसिंग एंड गिविंग इट ऑल आई गॉट. बट दिस इज फॉर सम अदर व्लॉग. मैं गिटार प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट साथ में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ. एंड ऑफ लेट आई रियलाइज्ड कि मैं वर्कआउट से भी बोर हो रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज वर्कआउट मेरे को जिम करने की आदत है. जिम में वेट्स होते हैं एंड यहाँ पे घर पे मेरे पास वेट्स नहीं है. आई हैव इक्विपमेंट. मेरे पास ये दो किलो के वेट है. आई ऑल्सो हैव दिस रेजिस्टेंस केबल. ये मैंने लॉकडाउन होने के जस्ट आई थिंक 10 दिन पहले ऑनलाइन ऑर्डर की थी. काफ़ी अच्छी है. मैं लिंक दे दूंगा. जब ये खुलेगा तभी मंगा लेना. दिस इज हैवियर देन दोस 2 किलोज. यू सी द टेंशन? इसमें टेंशन बहुत है. अगेन बट ये सबके पास नहीं होगा. आई हैव पुल अप रॉड एज वेल. तो पुल अप और एप्स करने के लिए बहुत काम की चीज़ है. बट अगेन ये सबके पास नहीं होगा. सबके पास क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ. वाइल्ड लाइफ बाहर आ रही है. द फॉलोइंग थिंग्स आर अवेलेबल इन एवरीवन्स हाउस. ठीक है, ये सारी चीज़ें सबके घर में अवेलेबल है. विच आर बाल्टी, बिकॉज लॉकडाउन चालू हुआ था सब लोग स्टॉकअप करके रख रहे हैं सामान. आलू और प्याज भारी मात्रा में अवेलेबल है. दाल चावल सारी चीज़ें अवेलेबल है. अपन आलू प्याज यूज़ करेंगे बिकॉज ये पैक्ड है और ये ख़राब नहीं होगी. बाल्टी थोड़ी अच्छी प्लास्टिक की बाल्टी सबके घर में होगी. बाल्टी लेना. 1 किलो आलू, 1-1 किलो प्याज. अब ये बाल्टी का वेट 4 किलो हो गया. इफ़ यू वांट मोर वेट, पानी की बोतलें भी होती हैं सबके घर में. 1-1 लीटर की पानी की बोतल दे. 6 किलो वेट हो गया. नाउ कम्स द वर्कआउट, हाउ टू यूज दिस फॉर योर वर्कआउट. सबके घर में ये टॉवल तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है. सो यू टेक दिस टॉवल एंड ये जो अपन ने बाल्टी में 6 किलो वेट डाला है, स्टार सेंटर में कर लो एंड यू होल्ड द टॉवल लाइक दिस एंड अभी 6 किलो एक साथ काफी वेट हो जाता है. और अगर सपोज फिर भी 6 किलो कम लग रहा है तो यू डू 1 arm एट अ टाइम. जस्ट लाइक दिस यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट्स जस्ट यूजिंग दिस बकेट. अ लॉट ऑफ देम. इन अ क्विक सीक्वेंस आई विल शो यू अ फ्यू ऑफ देम. काफ़ी लोगों के पास योगा मैट भी नहीं होगा. ठीक है, मेरे पास है अवेलेबल योगा मैट. बट सिंस बहुत लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा और दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू मेक थिंग्स फ्रॉम व्हाट यू हैव एट होम. एवरीवन हैज अ बेड शीट. एक एक मसल को फील करके अगर करो ना प्रॉपर एकदम प्रॉपर फॉर्म आता है. नाइस, आई एम सो ग्लैड आई फाउंड दिस. घर पे जिम कांदे बटाटे के साथ 10 से 12 किलो तक आप बाल्टी में डाल सकते हो बिकॉज इसमें आई थिंक दिस इज अ 15 लीटर बकेट 15 और 20 लीटर की बकेट होगी.
तो अगर 15-20 लीटर के बकेट है मतलब 15-20 किलो का वजन झेल सकती है, तो 15-20 किलो मत डाल लो, 10 किलो तो डाल ही लो। दाल चावल पैकेट में जो है पैक चीज़ें होती है ना वो डालो, बोतल में पानी भर भर के डालो। मैंने ये आइडिया एक ऑनलाइन वर्कआउट करता है बंदा, मैंने उससे आइडिया देखा था, पर उसने बाल्टी में पानी भरा टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। पानी गिरेगा वर्कआउट करते करते, पानी उछलेगा यहाँ पे, छलकेगा पानी, वो अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि वाई नॉट पुट सॉलिड वेट इन इट। अपने हिसाब से वेट डाल के एक ही बाल्टी से पूरा वर्कआउट हो सकता है, और ये मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया। ये अगर मेरे को पिछले 20-25 दिन पहले से मालूम होता था तो आई थिंक आज बाइसेप थोड़ा बेटर होता था मेरा। बट एनी विच वेज, ट्राई दिस एट होम एंड सी इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू, आई एम श्योर इट विल। और कमेंट करके बताओ आइडिया कैसा लगा। आई विल ट्राई एंड कम अप विद अ वीडियो लाइक दिस अगेन, इफ नॉट आई विल ट्राई एंड डू अ ब्लॉग, बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, टेक इट ईजी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।